हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और पिछली काफी क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के काफी टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। और उसी सीरीज को आगे चलाते हुए हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए, और आपने पुराने टॉपिक्स पुरानी वीडियोस देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात, तो नहीं देखी है तो आप उसको चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आप उनको देखिए, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो आपस में इन चीजों का कनेक्शन होते हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा, जो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो सीरीज आगे ऐसी चलती रहती है, आपको इजीली, बहुत इजीली आपको आगे का जो प्रोसेस है, आगे के जो नए नए टॉपिक्स हैं वो बहुत इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हमारा मेनली जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लिखते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड इज मेनली फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज मेनली फॉर्म, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज मेनली फॉर्म। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी लिख लीजिए, कैसे बनता है, विच आर फॉर्म्ड बाय, विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। कैसे शेयर करना है आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देखते हैं आप लोग, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्लियर है, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए अब समझे इस बात को, क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेयरिंग कैसे होनी है। इलेक्ट्रॉन्स को जब आप शेयर करने वाले हो तो इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं भाई, खाली इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहता ना, जिस पर्टिकुलर एरिया स्पेस जो भी वो जगह है वहां रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है मींस आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। चलिए तो इस तरीके से, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, शेयरिंग तो होनी होनी है लेकिन कैसे होनी है वो डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप की ओवरलैपिंग आप करवा रहे हो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास टू टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यहां पे हो सकती है, ठीक है। देखिए लिखते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास टू टाइप्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप से बन सकते हैं, किसके बेस में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होनी है दोनों में ही होनी है, लेकिन हमारे पास दो टाइप की कैसे हो, ऑर्बिटल्स के चक्कर में, ठीक है। ऑर्बिटल्स की वजह से हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो दो टाइप की है। पहली कौन सी होती है बच्चों हमारे पास, एक होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, यस, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। एंड सेकेंड टाइप की जो ओवरलैपिंग है वो भी बॉन्ड है, बट हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों लोग, पाई बॉन्ड, क्लियर है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब आपको ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, क्लियर है ना। देखिए अब सिग्मा बॉन्ड जब होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों हमारा, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड और एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड टू हेड भी कह सकते हो आप इसको,
एंड टू एंड भी कह सकते हो, ठीक है, एंड टू हैंड, हेड टू हेड और एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, समझ में आया ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मड बाय हेड टू हेड, एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कैसे हैं, वो हाइब्रिड भी हो सकते हैं, अनहाइब्रिड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अच्छा, ये इस टाइप की हेड टू हेड, एंड टू एंड, एक्सियल, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। हेड टू हेड, एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग, इन वर्ड्स की क्या मतलब है, ठीक है। देन हमारा आता है सेकंड टाइप का बच्चों, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है बताइए, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यस, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये पार्शियल ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकता है, ठीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग कह सकते हो, पैरेलल ओवरलैपिंग कह सकते हो। अब ये कैसे होती है ये मैं आपको अभी बताते हैं, ठीक है, हम लोग ये साइड वाइज भी बोल देते हैं इसको, बहुत सारी बुक्स में पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड पार्शियल ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहां लिख देते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, यस, साइड वाइज ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, क्लियर है, इसको आप समझ में आया ना, आप इसको नोट करिए, देन हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बच्चों एक एक बॉन्ड को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक हो गया, इसको टाइम। तो बच्चों अब हम पहली हेडिंग लगाएंगे कौन सी, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं सिग्मा बॉन्ड को पहले समझते हैं कैसे बनता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, नोट कर लीजिएगा, और अब इससे आगे की कहानी विद एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, चलिए अब लगाते हैं बच्चों हम लोग पहला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना सिग्मा बॉन्ड के बनने की मेथड्स क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और एंड टू एंड, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए सपोज बच्चों मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं कुछ, जैसे ये है कोई एक ऑर्बिटल है, राइट, ये, ठीक है, और सेम एक्सिस में मेरे पास एक और ऑर्बिटल है प्लस ये। अब जब ये ऑर्बिटल्स दोनों सेम एक्सिस में मिलेंगे, लाइक सेम एक्सिस, यू नो, ये देखिए सेम एक्सिस, एक्सिस चेंज हो सकती है ना यार, जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अगर मैं चाहूं ये एक्स इसको वाई ले लू फिर ये ऑर्बिटल ऐसा, तो इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इन्हें हम एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड, एंड टू एंड तीनों में कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है सेम एक्सिस में, पहली बात। हेड टू हेड मींस ये हेड टू हेड कह सकते हैं, या फिर आप इनको एंड टू एंड भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब दो कॉर्नर्स आपस में मिलने वाले हैं एंड आफ्टर ओवरलैपिंग लाइक अपीयर लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, कैसा बॉन्ड बन गया, चलो सिग्मा, समझ में आया ना हेड टू हेड क्यों कह रहे हैं, ओके। अब तो ये क्या था आपका पी ऑर्बिटल, ये भी कौन सा था आपका पी ऑर्बिटल, जो सिग्मा बॉन्ड बना है, जो ओवरलैपिंग हुई है, किसकी हुई है, पी और पी की आपस में ओवरलैपिंग यहां पे हुई है, क्लियर है ना, देख लीजिए, ठीक है। चलिए और अब जैसे एस ऑर्बिटल है, एस प्लस एस, ठीक है, वो तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, उसमें तो कोई एक्सियल का झाड़ी नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है अपन के पास। तो ये रहा आपका, ये जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है कौन सी हो रही है, एस एस हो रही है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्लियर है। तो ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है इससे, ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी ले सकते हो, लाइक जैसे मेरा ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, आप जानते हो ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फेस याद है ना, सकल याद है कैसी होती है, एक लोब बड़ा होता है जो बॉन्ड बनाने जाएगा और दूसरा लोब छोटा होता है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो सिंपल। तो ये जब ओवरलैपिंग करेंगे, लाइक ये देखिए ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, बच्चा लोग
सिग्मा वन बन रहा है हाँ, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा है, सपोज sp3 है और ये भी sp3 है, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी हमारे पास, sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तब भी कैसा बॉन्ड बनेगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सी बात है यार, अगर ओवरलैपिंग जोन आपको एक दिख रही है, सिंगल ओवरलैपिंग जोन दिख रही है, तो आप मान के चलिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है एस के साथ भी ओवरलैपिंग करता है, लाइक ये रहा आपका sp3, ये रहा आपका एस, अब जो ओवरलैपिंग हुई है कौन सी हुई है, ये देखिए sp3 और एस, फिर भी कौन सा बॉन्ड बना है बच्चा लोग, सिग्मा बॉन्ड बना है, क्लियर है। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं यहां पे ओवरलैपिंग करता हूं किसकी, sp3 sp3 क्या बनेगा, सिग्मा, sp2 sp2 क्या बनेगा, सिग्मा, sp sp क्या बनेगा बच्चा लोग, सिग्मा, देख लीजिए, क्लियर है, समझ में आई ना। चलिए तो ये सब हमारी क्या है, सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हमने देखा, हमने इसको एक्सियल बोला बिकॉज अलोंग द एक्सिस, देखिए ना ये सेम एक्सिस है ना, ये सेम एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस यहां पे ओवरलैपिंग होती है, अच्छा अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहां पर पॉसिबल होती है, देखिए क्या होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल, देखिए ना, अच्छा देखो एक बात और, ये रहा pp अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये sp3 sp3 ऑर्बिटल, देखा आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ऐसे पतले से होते हैं, से पतले से है ना, तो उसकी जो ओवरलैपिंग जोन है ना वो बहुत कम होती है, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें जो ओवरलैपिंग वाली साइड है वो ऐसे मोटी हो जाती है, लाइक फूल जाती है, लाइक बलून टाइप, ठीक है, और जो नॉन बॉन्डिंग पार्ट है, एंटी बॉन्डिंग पार्ट है, जो किसी काम का नहीं है, ऐसी पूंछ है जो खाली, वो छोटी सी रह जाती है, तो काम का आइटम जैसे बड़ा हो जाता है, जिससे कि ओवरलैपिंग बहुत ही परफेक्ट होती है, देखिए इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है लाइक दिस, ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो ये क्या है बच्चों आपका, इसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है, क्लियर नाउ। चलिए तो आपने देखा सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है, एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल, बताइए कौन सा बॉन्ड बनता है Cl2 मॉलिक्यूल में, ये रहा आपका Cl2, ठीक है, इसके पास भी p ऑर्बिटल, इसके पास भी, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग हो जाएगी ना यहां पर, ये pp सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा यार, है कि नहीं है, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 है बच्चा हमारे पास, कौन सा है, CH4 या C2H6 कह लीजिए, लाइक दिस, ये देखिए इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बताओ कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, sp3 मतलब समझ रहे हो ना, इसके पास चार ऑर्बिटल्स होंगे, एक तो ऑर्बिटल ये है जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और किसके साथ बना रहा है, पड़ोस के कार्बन, वो भी sp3 है, ये इसके साथ, यस, और दूसरा ऑर्बिटल कहां है, यस, दूसरा ऑर्बिटल आपको पता ही है, आप सिग्मा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो बनाना जानते हो ना आपने, अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये देखिए आपका बन गया, सही है, तो इससे भी क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, आपकी मर्जी, आप सी एच फोर बना के देख लीजिए, ये रहा कार्बन, एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये, हाइब्रिड एंड ये भी हाइब्रिड, ठीक है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, sp3 हाइब्रिडेशन है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ये रहा आपका देखो CH4 है ना, H के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, S एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो उसी से ओवरलैपिंग करता है ना, तो ये देखिए कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, S और sp3, S और sp3, S sp3, S sp3, और जो बॉन्ड बने हैं कौन से हैं, सिग्मा है, सिग्मा, सिग्मा एंड अगेन सिग्मा, पेयर है। तो ये क्या देखा आपने, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, हमने देखा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हटा दें इसको, देन अब हम आते हैं बच्चों पाई बॉन्ड के पास, यस, पाई बॉन्ड कैसे बनता है बताइए, अभी हमने देखा था ना पाई बॉन्ड, ये रहा बच्चा हमारा पाई बॉन्ड, देखिए तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, मैंने कहा था आपसे जब क्या हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो या फिर पार्शियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, लैटरल ओवरलैपिंग भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है, साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होगी
तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अच्छा एक बात का हमेशा याद रखें आप लोग, जब भी पाई बॉन्ड बनते हैं बच्चों वो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है देन पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सपोज मैं सबसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे चीप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे बढ़िया वाला कह सकते हो, सबसे सस्ता एग्जाम्पल कह सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। इथीन है ना, आपको पता है सर इसमें तो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई। ऐसा मैंने क्यों कहा तो आपको ये भी अभी समझ में आने वाला है। चलिए तो सबसे पहले आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। यस बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ बच्चे लोग। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने सिग्मा है इस कार्बन के पास? अच्छा ये सिंगल है तो सिग्मा, ये सिंगल है तो सिग्मा, इन दोनों में से एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल कितने आ रहे हैं बच्चे लोग? तीन सिग्मा। और लोन पेयर कितना है? जीरो। कार्बन के पास लोन पेयर थोड़ी ना होता है, ठीक है, जीरो। तो टोटल कितना आ गया? थ्री। और थ्री का मतलब आ गया आपका sp2। चलिए ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। और sp2 जब हाइब्रिडेशन होता है तीन बॉन्ड की ज्योमेट्री बनती है और वो क्या होती है बच्चा लोग? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। चलिए अब बना के देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये रहा आपका कार्बन, तो एक ये रहा ऑर्बिटल, एक ये रहा और एक ये रहा। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है ना यार, ओके। दूसरा कार्बन है बिल्कुल सेम है, उसका भी बिल्कुल यही हाल है, एक ये रहा एक ये और एक ये। देखिए ये भी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। चलिए अब मुझे बताएं, अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही साइड को होता है, दूसरी साइड पूंछ होती है। इसको हम लोग ऐसे दिखाना थोड़ा जरूरी नहीं समझते, ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा कर रही है कि सर मैं तो पूंछ देखूंगा दिखाऊंगा, तो आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास टोटल में से क्या थे हाइब्रिडाइजेशन इसका, जब sp2 होता है तो तीन ऑर्बिटल तो उसके बाद हाइब्रिड रहते हैं, है ना। sp2 में तीन ऑर्बिटल क्या रहते हैं? हाइब्रिड। देखो ना ये कार्बन के एक s, तीन p। जब sp2 हुआ तो एक s और दो p आपस में मर्ज हो गए और ये सब क्या हो गए? sp2 हो गए। लेकिन जो एक बच गया ये क्या है आपका? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये ऐसे ही रह गया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना। अब पार्टिसिपेशन इसका है नहीं, जीरो पार्टिसिपेशन, तो ये बेचारा ऐसे ही रह गया। और आपको पता है जो हाइब्रिड होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं और जो अनहाइब्रिड होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यस, अगर आपने हाइब्रिडेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, उसकी सारी वीडियोज चैनल में अवेलेबल हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि सर ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है फ्लैट, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या रहता है? यस, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वो कुछ ऐसा होगा, बोलो यार, ऐसे बाहर को निकला हुआ होगा। लेकिन अनहाइब्रिड तो बोथ साइड लोब वाला होता है, दोनों साइड लोब होते हैं, तो एक ऐसा पार्ट बाहर को होगा तो दूसरा कहां होगा? बोट के बैक साइड होगा, इनसाइड होगा, क्लियर है। सेम हियर, इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों कार्बन एग्जैक्टली सेम है। देखिए तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, जैसे सपोज ये रहा मेरा एक अनहाइब्रिड और एक ये रहा अनहाइब्रिड, यस, और ऐसी बैक साइड भी होगा। तो आपने देखा ना, जब एक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कौन सा है, sp2 और sp2 ने क्या बना रहे हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ठीक हो गया, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? h के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया s ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है, ये s sp2 इस साइड लिख देते हैं, s और sp2, s और sp2 कैसा बॉन्ड बनना है? सिग्मा सिग्मा। यहां बताइए sp2 और s एंड अगेन sp2 और s, कैसा बॉन्ड बन रहा है बच्चा लोग? सिग्मा एंड अगेन सिग्मा। इतना तो क्लियर हो गया। अब बची पाई बॉन्ड की बात, तो बच्चों पाई बॉन्ड का क्या सीन है, देखो ध्यान से। ये रहा बच्चा आपका पाई बॉन्ड, ये और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, से बाहर निकला हुआ। तो आप देखा ना, जब ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे मिलेंगे तो पाई बॉन्ड ऐसे रहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ऐसे मतलब एक दूसरे के पैरेलल, और जब पैरेलल रहेंगे तो देखो कैसे ओवरलैपिंग कर पाएंगे। देखिए ऐसी कर पाएंगे कि कभी कभी ऐसी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, हमेशा कैसे करेंगे? ऐसे पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे। और पार्शियल ओवरलैपिंग को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, लाइक ये मेरा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये देखिए कैसे आए, एक्चुअली में है तो ऐसे परपेंडिकुलर बट मैं बना नहीं सकता, तो ये देखो ये और ये कैसा बॉन्ड बन गया? पाई पाई बॉन्ड बन गया, क्लियर हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों हमेशा क्या होता है, जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग से ही बनते हैं, और इसीलिए वो थोड़ा सा वीक होते हैं, बिकॉज उसमें जो ओवरलैपिंग है ना वो काफी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए, जितनी की सिग्मा बॉन्ड में होती है, क्लियर हुआ।
समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। तो आपने देखा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं छोटे एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल को मैंने ऑर्बिटल के थ्रू आपको समझा दिया है पाई बॉन्ड का बनना, एंड देन अब हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखो तो बनने का इसका एक ही तरीका है, जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, कैसे ऑर्बिटल? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो भी कैसे? सेम प्लेन वाले कह सकते हो, सेम एक्सेस वाले कह सकते हो, जैसे सेम एक्सेस मतलब जैसे एक दूसरे के पैरेलल एक्सेस में हो सकते हैं, जैसे ठीक है अगर पी एक्स पी एक्स ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो ये सपोज पी वाई है और ये भी क्या है? पी वाई है, दोनों सेम एक्सेस में आ रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो पी वाई पी वाई है तो कैसे होगा बताओ? यस, पी एक्स पी एक्स तो बन गया, उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, अब जो सपोज क्या बने? पी वाई पी वाई। तो आप छोड़ो पी वाई एक्स को छोड़िए, आप ये देखिए बस, जब दो पी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पैरेलल आ जाते हैं एक दूसरे के तो वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बच्चे लोग? लाइक ये देखिए कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कैसा है? पाई बॉन्ड, समझ में आया ना? और पाई बॉन्ड जब बन जाता है एक्चुअली में आपको देख तो ऐसा रहा है, आपको सोच रहे हो कि ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता बच्चा, मैं बता देता हूं। जैसे ये रहा मेरा कार्बन, देखा जो अभी हमने बनाया था ना मॉलिक्यूल इथीन, तो ये रहा इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में ऐसे करके मर्ज हो गए ना, और जब मर्ज हो जाते हैं तो इनकी जो सूरत शक्ल है वो ऐसी नहीं रहती है, वो कुछ ऐसी हो जाती है, ये लाइक दिस लाइक दिस। ये देखिए ये रहा आपका पाई बॉन्ड बच्चों, समझ में आया? दिखाते हैं हम उसको ऐसे है, बट वो जब बन जाता है तो कुछ एस टाइप से कुछ शेप ले लेता है, लाइक बनाना टाइप कर्वी शेप ले लेता है हल्का सा। क्लियर हुआ? सही है ना? तो ये रहा बच्चा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखा आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, आपको मैंने दोनों बता दिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएंगे। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई क्यों नहीं बना सकते? पहली बात चलो देख लेते हैं एक बार, हाइब्रिड पाई क्यों नहीं बना सकते हैं? आप मुझे बताइए, ये रहा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा ही तो होता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये रहा आपका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब आपस में मिलेंगे तो ये कैसे बनेंगे? लाइक ये अब एक साइड तो उसकी मिल जाएगी, लेकिन दूसरे वाले लोब इसके नजदीक आने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो छोटे पूंछ टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, और इसलिए क्या है, पाई बॉन्ड कभी बनाएंगे भी नहीं। क्लियर है? और दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा ये हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, पाई नहीं बनाते हैं, और जो सिग्मा बनते हैं तो पाई ऑर्बिटल्स दो कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं आते, है ना? पैरेलल आते तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनता, बट पैरेलल आने का तो कोई सीन ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी सिग्मा बॉन्ड बना भी नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? तो समझ में आया ना आपके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में देखा आपने ओवरलैपिंग कितनी वीक है, कितनी पुअर ओवरलैपिंग है, और इसी वजह से वो बॉन्ड ही काफी वीक होता है, ठीक है, काफी वीक बॉन्ड होता है, और बहुत जल्दी बहुत इजीली वो ब्रेक कर जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा बच्चों टॉपिक, आपने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में देखा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक आप इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर, तब तक के लिए बाय बाय।